हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ स्टूडेंट के लिए जो टर्म वन में मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाना चाहते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर वे से अपना प्रिपरेशन करोगे तो आप 40 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 40 मार्क्स ला सकते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका 50% आ रहा है, प्लस उसमें भी आपको कुछ रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड जो रीजन है कि ये जो एग्ज़ाम है वो MCQ हो रहा है और MCQ में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट सही होता है या तो फिर डायरेक्ट गलत होता है। तो कैसे आप लाएंगे वही आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और वीडियो जो लास्ट तक देखेगा उसके लिए एक प्रो टिप्स भी है, तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस को समझना है, जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसको, कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है और किस किस में MCQ ज़्यादा बन सकता है, किस किस चैप्टर में MCQ कम बन सकता है। अब यहाँ पे आप एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी देख लो। इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करने का रीजन ये है कि आप ये मत सोचना कि इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो इसको पहले पढ़ते हैं और इस चैप्टर से कम मार्क्स आ रहा है तो इसको बाद में पढ़ेंगे, वैसा नहीं है। अगर किसी से 3 मार्क्स आ रहा है इट मीन्स वो 3 मार्क्स लाइक ही चैप्टर है, वो ईजी होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए जो भी चैप्टर आपका है उसको कंप्लीट पढ़ना, कोई पहले और कोई लेट ऐसा मत सोचना, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना है। अब आपको करना क्या है, देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका कुछ कुछ चीज़ें बचा हुआ होगा टर्म वन के सिलेबस के लिए। अब जितना चैप्टर आप कर चुके हैं एक बार चेक कर लो कि क्या सारे का कंसेप्ट नोट्स बना हुआ है सारे चैप्टर का। अगर नहीं तो उसको सबसे पहले आप फिनिश करो, उसके बाद जो चैप्टर आप नहीं किए हैं उसका भी कंसेप्ट आप जल्दी से उसको फिनिश कर लो, मे बी 10-12 डेज में उसको आप फिनिश कर लो। कंसेप्ट नोट्स फिनिश हो जाएगा उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, उसके बाद आपको डायरेक्ट MCQ क्वेश्चंस बनाना है। आप MCQ में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि होता यह है कि अगर आप कंसेप्ट पढ़ लिए और नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो आपसे MCQ सॉल्व हो जाएगा ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि MCQ में थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी होता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक दिन में कितना क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करना चाहिए आपको MCQ का, तो मिनिमम आप 20 क्वेश्चंस एक दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आता है कि सर जो एसेंशियल रीजनिंग है या फिर जो वैल्यू बेस्ड MCQ आएगा उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो इसमें आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वैल्यू बेस्ड और एसेंशियल रीजनिंग का वो ईजी ही होता है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीन्स उस क्वेश्चंस का पर्पस ही यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एसेंशियल रीजनिंग या फिर वैल्यू बेस्ड का इजी से इजी क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बनेगा, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एसेंशियल रीजनिंग का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पे अच्छे से फोकस करो, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे हम भी MCQ वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे हम आपको बहुत ही जल्द एसेंशियल रीजनिंग और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब बात आता है कि सर कौन सा बुक फॉलो करें, कहाँ से MCQ का बुक लाए, क्या कोई नया बुक खरीदे या फिर जो ऑलरेडी मेरे पास RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर है उसी से हम अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, मींस फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप ला सकते हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल से, ये सब बुक को यूज करके भी फुल मार्क्स, बट कैसे ला सकते हैं। देखो आपके पास कौन सा बुक है अभी, मे बी अगर आपके पास RD शर्मा और NCERT है तो आप उसका सारा MCQ सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा MCQ नहीं, 600-700 MCQ आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपके पास अगर टाइम है तो आप RS अग्रवाल का भी एक बार MCQ देख सकते हैं, एग्जाम्पलर का भी आप MCQ देख सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जो RD शर्मा बुक को फॉलो नहीं करते हैं तब भी आप ट्राई कर सकते हैं MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप कोई भी 2 बुक ले लो, एक NCERT ले लो, एक RD शर्मा ले लो, और उसका आप सारा MCQ सॉल्व कर लो, या तो फिर आप NCERT ले लो और RS अग्रवाल ले लो और उसका सारा MCQ सॉल्व कर लो। आपको NCERT में ज़्यादा MCQ नहीं मिलेगा, बट फिर भी NCERT का सारा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि उसको MCQ में फॉर्म किया जा सकता है।
तो बुक आप जो है आपके पास अवेलेबल उसी को अच्छे से करो, बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो टिप्स के बारे में। देखो प्रो टिप्स सिंपल है कि अब अगर आपने टर्म वन के लिए कंसेप्ट सारे चैप्टर का पढ़ लिए हैं और आप केवल 20 to 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू बना रहे हैं, तो आपके पास सफिशियंट टाइम अभी बच रहा होगा। उस सिचुएशंस में आपको करना ये है कि जो टर्म टू का सिलेबस है मैथ्स का स्पेशली, उसको आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ते रहना है। ऐसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ेंगे, बट फिर भी अगर आप नहीं सोच रहे हैं पढ़ने का तो आप उसको पढ़ो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले टर्म वन अच्छे से फिनिश कर लेते हैं फिर टर्म टू का स्टार्ट करेंगे, तो टर्म वन में तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा बट टर्म टू में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि टर्म वन से टर्म टू में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है आपके पास, तो उतने कम टाइम में आप उस सारे चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको करना ये है कि अभी से ही पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पढ़ते रहें, मे बी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।